हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज आलू मटर और टमाटर की सब्ज़ी, और थोड़ा मतलब झोल वाली बनाऊंगी, और बनाऊंगी बाजरे की रोटी। तो गाइस, सब्ज़ी बना के आ गई हूँ नीचे, और बाजरे की रोटी बना रही हूँ यहाँ पर। तो चूल्हे पर ही अच्छे से बनती है बाजरे की रोटी, और वैसे भी हम तो ज़्यादातर चूल्हे पर ही बनाते हैं, बाजरे की हो या गेहूं की। तो बाजरे की रोटी का आटा साथ में ही गूंथते जाते हैं और साथ में ही बनाते जाते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है बाजरे की रोटी बनाने में, क्योंकि आटा भी साथ में ही गूंथना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं रोटी बनाने आ गई हूँ और रोटी बना रही हूँ। तो गैस, मैंने रोटी बना ली, और आप देख सकते हैं अंधेरा हो गया है, तो अब पूरी रोटियाँ बन गई है, लास्ट रोटी रह गई है। और ये लास्ट वाली रोटी मेरी जल गई, क्योंकि नीचे सेकती हूँ तो फिर किसी और तरफ ध्यान चला जाता है, बच्चे भी यहीं पर बैठे रहते हैं तो परेशान करते रहते हैं। तो गाइस, यहाँ पर देखिए रोटी मेरी बिल्कुल जल गई है एक तरफ से। कोई नहीं, इसको निकाल देंगे। और यहाँ पर खा रहे हैं हम खाना, तो आयुष तिल वाले तेल की बोतल लेके बैठा है, और ये हम है ना रोटी में डाल करके खाते हैं। बाजरे की रोटी के साथ अगर तिल का तेल खाओ तो बहुत ही अच्छा लगता है, आप एक बार ज़रूर खा के देखिए। तो यहाँ पर देखिए गाइस, किट्टू का मैंने थोड़ा सा वीडियो बना लिया था, ये मैं बाद में दिखा रही हूँ। तो ये भी मेरे साथ यहाँ पर इस तरह से बैठ के ये ओढ़ के और रोटी बना रही थी, और ये मधु की पैकिंग हो गई है। तो गाइस, ये जाने वाली है आज अपने गांव, कल जाएगी, आज ये पैकिंग कर रही है, अपने बैग में कपड़े वगैरह रख रही है। हाँ, चुप रहो बेटा, देखो देखिए अपने कपड़े सब रख रही है। तो गाइस, किट्टू जा रही है तेल लेने, किसका लेके आओगी, किसका तेल लेके आओगी, सरसों का या रिफाइंड का? रिफाइंड लेके आना, तो जा खा। अच्छा, सबको राम राम नमस्ते तो कर दो। राम राम नमस्ते हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और वीडियो को लाइक करना। ठीक है, साफ कर देना, साफ किट्टू की बात ना। तो गाइस, यहाँ पर किट्टू जा रही है अब तेल लेने के लिए, और ये लेकर आ जाती है, क्योंकि 1.5 किलो ही लाना होता है, तो ले आती है, इसके पापा दिला देते हैं। और ये यहाँ पर दोनों खा रहे हैं चाउमीन, तो ये ले आए हैं और मानते नहीं हैं, बच्चे जिद करते हैं, मैं नहीं खिलाने के लिए बोलती हूँ लेकिन ये खा लेते हैं। तो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।